तो गाइज फाइनली एनिमल मूवी जिसकी इतनी हाइप थी, जिसके ट्रेलर रिलीज होते हुए उन लड़कों ने भी कान में अर्जुन वेली लगा लिया था जिनको इंजेक्शन से भी डर लगता है. तो दिस मूवी हैज लिव्ड अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन आई वुड से, एंड इट टेक्स बॉल्स ऑफ टाइटेनियम टू मेक सच अ मूवी. और इस मूवी का देखो रिव्यू तो मैं क्या ही करूँ. इस मूवी से जो तीन लोग एसोसिएटेड है, एक कपूर खानदान का चिराग है, दूसरा सनी देओल का भाई है, और तीसरे जिसने कबीर सिंह बनाई थी. तो रिव्यू तो हम नहीं कर सकते. बस मैं आपको थिएटर में जाने के दो तीन डिस्क्लेमर बताऊंगा. ये मूवी आप अपने बाबू के साथ ना जाएं. आप अगर अपने दोस्तों के साथ जाएं तो एक्सपीरियंस होगा ओए होए, और बाबू के साथ जाएं तो एक्सपीरियंस होगा मोए मोए. और अगर आपके पीछे कोई कपल बैठ गया है तो आपको जादू वाली गुड़िया और साथ में पिंस लेके जाएं. हर एक कॉमेंट पे एक पिंच होते रहे, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस खराब कर देंगे. और मैं बता दूं कि वो मूवी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है. ठीक है, जब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, मूवी से कहां उम्मीद कर रहा. तो बेस्ट बात मेरे को लगती है संदीप पांगा रेड्डी की मूवी की, कि पुलिस शायद वर्क फ्रॉम होम पे. ये एकदम रियलिटी से हिट करता है कि अगर पैसे हैं तो पुलिस नहीं है. खैर हमें इन बातों से क्या करना. बेस्ट बात इन अ सीरियस नोट, बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी इज इट टुक अ डायरेक्टर फ्रॉम द साउथ टू शो द एक्चुअल वैलर ऑफ सिख कम्युनिटी, है ना. उसने एक्चुअली दिखाया है कि सिर्फ संता बनता नहीं, अगर सिख को सच्ची में गुस्सा आ गया ना, वो तुम्हारा संता बनता से अलग कर सकते हैं. तो मूवी देखो, एंटरटेनमेंट फैक्टर है, एंटरटेनमेंट हो क्या, जज करने की जरूरत नहीं है तुम कौन से अच्छे हो.